नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने राजनीतिक दलों की परिभाषा के बारे में आपको बताया, राजनीतिक दल किसे कहते हैं इसे समझाया, और आगे बढ़ते हुए हम राजनीतिक दलों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसलिए इसकी राजनीतिक व्यवस्था गुटों और राजनीतिक दलों की भीड़ से बनी हुई है। हालांकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक दल का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इस व्यवस्था के अंतर्गत ही सरकारों का गठन उस राजनीतिक दल के द्वारा ही किया जाता है। मित्रों, विद्यार्थियों, जो चुनाव में बहुमत प्राप्त करता है, लोकसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाला दल जहाँ केंद्र में अपनी सरकार बनाता है, तो वही राज्य की विधानसभाओं के चुनावों में भी बहुमत प्राप्त करने वाला दल राज्यों में सरकार का गठन करता है। तो आइए समझते हैं, जानते हैं कि भारतीय राजनीतिक दल के बारे में जो विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं समझनी है कि भारतीय राजनीतिक दल क्यों बनाए गए हैं, चुनाव लड़ने के लिए एक साथ आने वाले राजनीतिक लक्ष्य के साथ एक राजनीतिक दलों लोगों का यह एक समूह है। अब देखते हैं कि भारतीय राजनीतिक दल के प्रकारों में एक एक करके इनकी चर्चा करते हैं कि भारत में चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाली सभी पार्टियां खुद को भारत के चुनाव आयोग या ECI के साथ पंजीकृत करती है, और आमतौर पर एक राजनीतिक दल में आप देखेंगे समझेंगे कि सभी पार्टी सदस्यों के पास एक आम लक्ष्य है। ऐसे लक्ष्यों को एक राजनीतिक घोषणा पत्र में सूचीबद्ध किया गया है। भारत में मुख्य रूप से तीन प्रकार के राजनीतिक दल दिखाई देते हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल, राज्य मान्यता प्राप्त दल और एक अनऑर्गेनाइज्ड राजनीतिक दल हैं। तो भारतीय राजनीतिक दलों के प्रकार में जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं वो क्या हैं? जब एक पंजीकृत पार्टी को केवल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में लिया जाता है और जब यह निम्नलिखित शर्तों में से एक को पूरा करता है तो वह राष्ट्रीय दल की श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है। मित्रों, विद्यार्थियों, कौन कौन सी शर्त जिसमें है? यदि पार्टी भारत में कम तीन अलग अलग राज्यों से लोकसभा सीटों में से 2% जीतती है तो, इसके अलावा अगर पार्टी को भारत में कम 4 राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है तो, इसके अलावा यदि लोकसभा में या लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में लोकसभा में 4 सीटों के अलावा 4 राज्यों में पार्टी 6% मतों का चुनाव करती है तो, इन कंडीशनों में कोई भी दल को राष्ट्रीय दल की श्रेणी में रखा जाता है। और भारत में 7 राष्ट्रीय दल हैं जिनकी सूची आपको दिखाई दे रही है। पहला है भारतीय जनता पार्टी, इसका छोटा नाम शॉर्ट नाम BJP है और इसकी स्थापना 1980 में की गई। इसका चुनाव चिन्ह कमल है। इसके बाद आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, इसकी स्थापना 1885 में की गई और इसका चुनाव चिन्ह है हाथ। इसके बाद तीसरी जो राष्ट्रीय पार्टी है वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भाकपा मार्क्सवादी CPIM, इसकी स्थापना 1964 में की गई। इसके बाद चौथी राष्ट्रीय पार्टी जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है CPI, और इसकी स्थापना 1925 में की गई। पांचवी राष्ट्रीय पार्टी जो है भारत के अंदर वो है बहुजन समाज पार्टी BSP, और इसकी स्थापना 1984 में की गई। इसके बाद छठी राष्ट्रीय पार्टी जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है NCP, और इसकी स्थापना 1999 में की गई, 1999 में की गई। और सातवीं जो राष्ट्रीय पार्टी है वो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है AITC, और इसकी स्थापना 1998 में की गई। मित्रों, विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हुए हम राजनीतिक दलों की जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उसकी चर्चा करने के बाद भारतीय राजनीतिक दलों के प्रकारों में हम राज्य स्तरीय जो मान्यता प्राप्त दल हैं उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि राज्य के राजनीतिक दल क्या हैं, राज्य स्तरीय राजनीतिक दल क्या हैं। राज्य राजनीतिक दल के रूप में जानने के लिए एक राजनीतिक दल को निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक को पूरा करने की आवश्यकता होती है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीतिक दल को समझते हुए हम ये कह सकते हैं कि राज्य स्तरीय दल राजनीतिक दल को विधानसभा में
सीटों की कुल संख्या का कम से कम 3% जीतने की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। मित्रों, विद्यार्थियों, लोकसभा में प्रत्येक 25 सीटों के लिए राजनीतिक दल को कम से कम एक सीट जीतनी होगी। वैकल्पिक रूप से इसे उस राज्य को आवंटित किए गए किसी भी अंश को जीतने की आवश्यकता है। मित्रों, हम राजस्थान राज्य की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा में यहाँ 25 सीटें हैं और राज्यसभा में 10 सीटें हैं। राजनीतिक दल को लोकसभा या राज्य विधानसभा की और आम चुनाव के दौरान मतदान के दौरान दिए गए कुल वैध मतों में से वोटों में से कम 6% जीतने चाहिए और इसके अलावा इसे कम से कम एक लोकसभा सीट और उस विशेष चुनाव में 2 विधानसभा सीटें जीती जानी चाहिए। उदारीकृत मापदंडों के अनुसार यदि कोई राजनीतिक दल राज्य के आम चुनाव में राज्य या लोकसभा की विधानसभा में सीट जीतने में विफल रहता है तो उसे राज्य कुल वैध वोटों में से 8% या अधिक सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है। भारत में 49 राज्य मान्यता प्राप्त दल हैं या उनकी सभी राजनीतिक दलों की सूची है और इनको हम बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। पहले नंबर पर आम आदमी पार्टी है और इसको शॉर्ट कट इसका नाम आप है। इसकी स्थापना 1912 में हुई और ये कहाँ कहाँ दिखाई देती है, वह है दिल्ली और पंजाब। इसके बाद है अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक मुनेत कंजम AIADMK। 1972 में इसकी स्थापना हुई और पांडुचेरी और तमिलनाडु में इसको ये पाई जाती है। इसके बाद तीसरे नंबर की है अखिल भारतीय फोड़ो ब्लॉक AIFB। 1939 में इसकी स्थापना की गई थी और पश्चिम बंगाल में है। अखिल भारतीय मजलिस ए इतिहादुल मुस्लिम AIMIM 1927 में इसकी स्थापना हुई, तेलंगाना में ये दिखाई देती है। अखिल भारतीय NR कांग्रेस AINRC 2011 में इसकी स्थापना हुई, पांडुचेरी में दिखाई देती है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF 2004 में असम में दिखाई देती है। सभी झारखंड छात्र संघ ये भी राज्य स्तरीय पार्टी है, AJSU 1986 में झारखंड में पाई जाती है। असम गण परिषद AGP 1985 में असम में है। बीजू जनता दल BJD 1997 में ओडिशा में है। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट BPF 1985 में असम में है। देशिया मूर्ति को द्रविड़ कजागम DMDK 2005 तमिलनाडु में है। द्रविड़ मुनेत कंजगम DMK 1949 पांडुचेरी तमिलनाडु में है। हरियाणा जनहित कांग्रेस AJCBL 2007 हरियाणा के अंदर है। हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी HSPDB 1968 मेघालय में पाई जाती है। मित्रों, विद्यार्थियों, ये इस प्रकार 49 जो राज्य स्तरीय दल हैं वो हैं। इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए हम भारतीय राजनीतिक दलों के जो प्रकार हैं जिसमें अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी क्या है इसके बारे में हम बताते हैं कि एक अनरिकॉग्नाइज्ड राजनीतिक पार्टी वह व्यक्ति है जिसने अपने श्रम के प्रतीक पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और इस पार्टी को चुनाव पैनल द्वारा जारी मुक्त प्रतीकों की सूची में से एक प्रतीक चिन्ह चुनना होता है। भारत में 100 से अधिक अनरिकॉग्नाइज्ड राजनीतिक दल हैं, उसमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं। भारतीय ग्रामीण समाज पार्टी, अमरा बंगाली, भारतीय अल्पसंख्यक सुरक्षा महासंघ, दुस्ताम अवाम मोर्चा, भारतीय जन न्यागा पार्टी, भारतीय बोल्ड नागरिक पार्टी, जन अधिकार वी पार्टी, लोकतांत्रिक जनसेना पार्टी, केरल कांग्रेस, केरल बी, किसान पार्टी ऑफ इंडिया, लोकसत्ता पार्टी, मणिपुर पीपल्स पार्टी। इस प्रकार से ये भिन्न भिन्न प्रकार की पार्टियां इसके अंतर्गत हैं। और विद्यार्थियों, हम यहाँ राजनीतिक दलों के बारे में चर्चा करते हुए कह सकते हैं क्या दो पार्टियों में समान चिन्ह हो सकता है। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा पार्टी सिंबल आवंटित किए जाते हैं। दो दलों के पास एक ही प्रतीक हो सकता है जब तक वे एक दूसरे के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहे हों। हालांकि राष्ट्रीय दल राष्ट्रभर में अपने प्रतीक का उपयोग कर सकते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी और जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी का एक ही प्रतीक है क्योंकि उनका क्षेत्रीय प्रभाव अलग अलग है। मैं समझता हूँ, जानता हूँ कि ये जो वीडियो आपको दिया जा रहा है
जिसमें राजनीतिक दलों के बारे में चर्चा की गई है। मैंने पिछली जो वीडियो है उसमें भी बताया था, समझाया था कि राजनीतिक दल क्या हैं, और पुनः मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजनीतिक दलों की जो विशेषता है या जो तत्व हैं उनमें हमें सबसे पहले नंबर पर जो आता है वह है संगठन। संगठन जरूरी होता है मजबूत बनाने के लिए, स्थायी बनाने के लिए। इसके बाद इसके जो विशेषताएं हैं या इसके जो तत्व हैं उसमें यह है कि मूलभूत जो सिद्धांत हैं राजनीतिक दलों के उनमें एकता होनी चाहिए, संवैधानिक उपायों का या प्रयोग करना चाहिए, राष्ट्रीय हित की वृद्धि के लिए ये कार्य किए जाने चाहिए। अब राजनीतिक दलों के क्या आधार है, क्या बेस है, इसके बारे में चर्चा करते हुए हम कह सकते हैं कि इसका पहला बेस जो हमें मनोवैज्ञानिक रूप से दिखाई देता है, दूसरा परिवेश का प्रभाव भी है, इसके अलावा धार्मिक आधार है, आर्थिक कारण है, इसकी नेतृत्व है, विचारधारा भी है। और राजनीतिक दलों के कार्यों के बारे में यदि हम चर्चा करें तो राजनीतिक दलों के जो कार्य हैं वह सार्वजनिक नीतियों का निर्धारण करना, सार्वजनिक जो नीतियां हैं, पॉलिसी हैं, उनको मेकिंग करने का कार्य राजनीतिक दलों का होता है। राजनीतिक दल शासन का संचालन करते हैं, शासन में चुनावों में भाग लेते हैं, लोकमत का निर्माण करते हैं, शासन तथा जनता के बीच मध्यस्थ का भी कार्य करते हैं, राजनीतिक प्रशिक्षण भी एक तरह से है, सामाजिक और सांस्कृतिक भी इसके कार्य हैं। इसके बाद यदि हम कहें आगे बढ़ें तो दलीय पद्धति के क्या लाभ हैं, क्या गुण हैं, अनेक प्रकार के इसके गुण और लाभ दिखाई देते हैं। राजनीतिक व्यक्तित्व के कारण एक राजनीतिक दल समय समय पर जनता की राजनीतिक निद्रा को तोड़ते हैं और उसे जाने अनजाने में राजनीति में भाग लेने के लिए विवश करते हैं, लोकमत का निर्माण करते हैं, ये भी बहुत बड़ा इसका लाभ है। इसके अलावा निर्वाचन को सरल बना देते हैं, शासन को क्रांति से बचाते हैं, शासन का संचालन और उसकी आलोचना करते हैं, शासन की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाते हैं, शासन के विभिन्न अंगों में सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करते हैं, सामाजिक व राजनीतिक सुधार का कार्य करते हैं, राजनीतिक समस्या पर शोध का कार्य करते हैं। मैकाइवर कहते हैं कि राजनीतिक दलों के बिना ना तो सिद्धांतों की एकीकृत अभिव्यक्ति हो सकती है और नीति का क्रमबद्ध विकास और न ही संसदीय निर्वाचनों को संवैधानिक प्रणाली का नियमित उपयोग। इस प्रकार उन समस्त संस्थाओं का अंत हो जाता है जिनके माध्यम से राजनीतिक दल शक्ति ग्रहण करने तथा उसे बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। मित्रों, विद्यार्थियों, लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल राष्ट्र के मस्तिष्क को उसी प्रकार क्रियाशील रखते हैं जिस प्रकार लहरों की हलचल से समुद्र की खाड़ी का जल स्वच्छ रहता है। इस प्रकार मित्रों, राजनीतिक दलों के बारे में ये मेरा दूसरा वीडियो है, और पूर्व में भी मैं संक्षिप्त रूप से राजनीतिक दलों के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। विद्यार्थियों, अगली वीडियो में या और भी इसके टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।